दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है ब्यूटी पार्लर वाली बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज ना होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई, अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे, क्या करेगी ये सब कुछ सीखकर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता, अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा? ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है। एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक? तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या, इस घर में ये सब नहीं होगा? ये क्या कह रही हो बहू, हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो ना राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए? अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो, हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे, पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी, बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या, कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूँ, मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू,
पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवा कर छपवा दें तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे, फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटा, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। संजना की चाची जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हुई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आस पड़ोस में कहीं भी पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है रीमा, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं और संजना भी लड़के को देख लेगी। संजना की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती हैं और कुछ ही दिनों बाद संजना की शादी पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर के गांव अभी ही जाना था। उसे पता था कि शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहां से ढूंढूंगी? कांता, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है, पता भी है एक बर्तन भी धुला हुआ नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए चाय बना दूं। ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं जूठे। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। संजना की सास कांता अभी काम वाली को लेकर परेशानी हो रही थी कि तभी संजना कांता की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संजना बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी ना धुलवाऊंगी, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में सारा काम निपटा दूंगी, आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पहले ही पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाले के पास समय नहीं है। पुनीत काम पर चला जाता है, संजना सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा ही होने लगा, काम वाली तो थी नहीं। संजना की नंद अंजलि सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संजना तो मानो घर के काम में ही उलझ सी गई थी। एक शाम, माँ तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो, बेचारी गरीब घर की है,
इसीलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर का सारा काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बना कर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस दिन भर बर्तन ही घसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियाँ बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गाँव भाग गई, सोच ये न होती तो कौन काम करता। कांता, तुम दोनों माँ बेटी को तो संजना बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संजना सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुनीत बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनीत बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूँगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुनीत दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुनीत ने अपनी गाड़ी बेच दी, घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किस्त उसे भरनी थी। तभी, भैया मेरी कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है, मेरा आखिरी साल है, अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी संजना अपने मन में ये सोचती है कि ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती, घर में सभी बहुत परेशान हैं, मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं मेरी सहेली रूपा ने बात कर ली कि नहीं, मेरे काम के लिए पूछती हूँ। हेलो रूपा, मैं संजना बोल रही हूँ, तूने बात की? फिर पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है, 12,000 रुपए महीना देंगी बबीता मैम। तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संजना पुनीत से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संजना उसे समझाती है। पुनीत, मैं जानती हूँ कि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो, मैं घर और बाहर का काम एक साथ संभाल लूँगी। ठीक है संजना, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संजना सारे घर के काम करने के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहाँ पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संजना बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संजना बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संजना को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन बबीता भी संजना की मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। संजना, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो, पिछले 1 महीने में बहुत से कस्टमर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई के फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की, मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संजना घर आ जाती है और 12,000 रुपए
अंजलि के हाथ में रखती है। अंजलि, ये तुम्हारे कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रही हैं? नहीं नहीं भाभी। अंजलि, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ सम्मान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो पैसे लेती हो ना, तो मुझ में और तुम्हारे भैया में क्या फर्क है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुनीत को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संजना और पुनीत दोनों मिलकर काम करते थे। कांता और अंजलि भी अब संजना के घर के काम में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आई थी और सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे थे। आस्था और उसके पति रवि एक साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उसी के साथ उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अरे जल्दी कारखाना जाना है, आज बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ हाँ, अभी आई। आस्था और रवि दोनों साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने के कारण दोनों जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। जल्दबाजी में रवि का हाथ एक बड़ी सी मशीन में आ जाता है और रवि का हाथ मशीन से कट जाता है। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम करने नहीं जाऊंगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे? हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। आस्था रवि को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो देती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी आस्था के घर पर उसकी पड़ोसिन शीतल आती है और कहती है, हाय दैया, आस्था तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, अब तू अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सुनार की दुकान में काम करते हैं, अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर मेरे जीवन में ये दिन आए हैं तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकलेगा। आपने हमारी इतनी चिंता की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है, पति का हाथ चला गया लेकिन तेरी अकड़ अभी भी बाकी है। आस्था दुखी मन से गांव के बाहर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां से एक जादूगरनी गुजर रही थी और उसकी नजर आस्था पर पड़ती है, फिर वो उसके पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। आस्था अपने साथ घटी सारी घटना को उस जादूगरनी को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख तो खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दुख को भुलाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जादूगरनी जी। तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ कुछ मेहंदी के पत्ते प्रकट कर देती है। जादूगरनी जी, ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पीस कर यदि किसी के हाथ पर लगाओगी तो वो खुद बखुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी, और ये जादुई मेहंदी है तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। आस्था वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर वापस आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है।
कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों में आस्था की दुकान में भीड़ लग गई और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले आस्था से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिकारन आस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। आज रात जाकर मैं पता करती हूँ। शीतल आस्था के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि आस्था वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, अब मैं भी आस्था की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। शीतल भी आस्था की ही तरह मेहंदी लगाने की दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ भी जाती हैं। शीतल सबको मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये कैसे हो रहा है? आस्था भी तो यही पत्ते इस्तेमाल कर रही थी। तभी सारी औरतें मिलकर शीतल की दुकान को तोड़ने लगती हैं। इसके डर से शीतल वहाँ से भागकर आस्था के पास जाती है। आस्था, अरे वो आस्था, कहाँ हो तुम? क्या हुआ शीतल, तुम इतना कांप क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये मेहंदी के पत्ते मैं तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और मैंने सोचा था कि तुम्हारी तरह मैं भी अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जिनके भी हाथ में मेहंदी लगाई उनके हाथ जल गए। वो इसलिए क्योंकि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। ये कोई आम मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो प्लीज। आस्था शीतल को माफ कर देती है और मेहंदी का लेप बनाकर गांव के सभी औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से आस्था अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।